आज बनाने वाली मैं आलू प्याज की पकौड़ी। बिल्कुल सिंपल और देसी स्टाइल है, ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी शुभ रावत और आपका मेरे चैनल खुशमिजाज जिंदगी किचन में एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे मैंने आलू प्याज पकौड़ा बनाने के लिए 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है और 5 से 6 हरी मिर्च ली हैं। और अगर आप यहाँ पे ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे आलू प्याज की क्वांटिटी बढ़ा करके बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले आलू को धो के तैयार कर लिया था, तो अब यहाँ पे आलू को छिलना नहीं है, बस ऊपर और नीचे का सिरा इस तरीके से थोड़ा सा कट कर लूंगी। यहाँ पे मैं पकौड़े के लिए आलू गोल शेप में कट कर रही हूँ, राउंड शेप में कट कर रही हूँ। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि आलू को बिल्कुल पतला कट करना है, नहीं तो जो आलू है वो अच्छे से फ्राई नहीं होंगे या पकेंगे नहीं और जो पकोड़े हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरीके से मैं फटाफट से इन्हें पतले और राउंड पीसेस में कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू को इस तरीके से कट कर लिया है। अब आलू काले ना पड़े इसके लिए मैं आलू को सीधे ठंडे पानी में डाल लेती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो आलू में जितना भी एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो निकल जाता है और आलू काले नहीं पड़ते हैं। तो जब तक मैं प्याज और मिर्च को कट करती हूँ तब तक मैं आलू को पानी में ही रहने दूंगी और उसके बाद 1 से 2 बार इसे साफ पानी से धो लूंगी। चलो फिर अब मिर्च को भी कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं मिर्च पे कट मारूंगी और इसके अंदर जितना भी बीज है उसे निकाल दूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च है तो मैं बीज को निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से मैं प्याज को भी राउंड राउंड शेप में कट कर लूंगी। यहाँ पे मैंने प्याज 1 ही लिया है, आप चाहे तो यहाँ पे 2 प्याज भी ले सकते हैं। तो प्याज को भी मैं गोल शेप में कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से प्याज को भी मैंने कट करके रेडी कर लिया है। अब इसके साथ ही यहाँ पे मैंने एक मिक्सचर बाउल ले लिया है, अब इसमें ऐड कर लेती हूँ 1 कप बेसन। अभी यहाँ पे मैं फिलहाल 1 कप बेसन ले रही हूँ, अगर यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से यहाँ पे मैं बेसन ऐड करूँगी। बेसन के साथ साथ यहाँ पे ले रही हूँ 1/2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हल्का सा मैं हाथ से क्रश कर लेती हूँ ताकि जो इसका फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाए। पकौड़े में अजवाइन डालना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, इससे क्या होता है जो पकौड़े होते हैं वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब इसके साथ ले रही हूँ मैं यहाँ पे 2 कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च के साथ ले रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इसके साथ ही 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक रख सकते हैं। और अब लास्ट में डाल लेती हूँ कसूरी मेथी। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच कसूरी मेथी ले रही हूँ, अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप यहाँ पे हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को डालने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड कर लूँगी और पानी ऐड करने के बाद अब इसे विस्कर से इस तरीके से अच्छे से फेंट लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पानी डालते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि पानी एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे पानी ऐड करूँगी, क्योंकि जो बेसन का बैटर है उसे हमें पतला नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने बेसन के बैटर को अच्छे से फेंट के तैयार कर लिया है। अब इसमें डाल लेती हूँ कटे हुए आलू जो हमने पकौड़े के लिए ऑलरेडी कट कर रखा है। आलू के साथ साथ अब इसमें ऐड कर लेती हूँ प्याज और प्याज के साथ साथ इसमें ऐड कर लेती हूँ मिर्च। यहाँ पे मैंने 5 से 6 मिर्च ली हैं, आप यहाँ पे मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा करके ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे मिर्च के अंदर से बीज निकाल लिया है क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा तीखी थी। अब यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है कि बोल छोटा पड़ गया है, इसे शिफ्ट कर लूँगी थाली में और थाली में डालने के बाद इसे बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दोस्तों हमारे इधर गाँव में इसी तरीके से पकौड़े बनाए जाते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं, एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। अब इसी तरीके से मैं फटाफट से इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बेसन की क्वांटिटी कम लग रही है तो मैं 2 से 3 चम्मच बेसन और डाल लेती हूँ और बेसन डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद ये हमारे आलू प्याज फ्राई करने के लिए या पकौड़े बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब इसे कर लेती हूँ साइड। अब यहाँ पे मैंने दूसरी साइड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई से भी ऑयल में पकौड़े को बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करूँगी, सबसे पहले ऑयल को चेक कर लेती हूँ ऑयल कितना गर्म है। तो यहाँ पे मैं 1 आलू का पीस इस तरीके से डालूंगी। तो यहाँ पे आलू का पीस अच्छे से ऑयल में डिप हो रहा है तो ऑयल बिल्कुल गर्म है। तो इसमें फटाफट से पकोड़े का बैटर डाल लेते हैं या आलू को डाल लेते हैं। गैस का फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम हाई रखा है, मीडियम हाई फ्लेम पे ही यहाँ पे पकौड़े को तलना है, अच्छे से फ्राई करना है। अगर हम यहाँ पे लो फ्लेम पे करेंगे तो जो पकौड़े हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखना है। तो एक साइड से पकोड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें दूसरी साइड पलट लूँगी और दूसरी साइड से भी इन्हें अच्छे से फ्राई होने दूंगी। तो एक बारी पकोड़े दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएं तो इन्हें 1-2 बारी अलट पलट करके फ्राई करूँगी। इससे क्या होता है, एक तो जो पकोड़े होते हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से कच्चे नहीं रहते हैं। तो ये पकौड़े बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं, आप यहाँ पे देख लोगे काफ़ी क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा कलर लग रहा है। तो इन्हें निकाल लेती हूँ और जो बाकी के बचे हुए पकौड़े हैं उन्हें भी फटाफट से फ्राई कर लेती हूँ।
और दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के बटन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो एक साइड से ये पकौड़े भी बनके तैयार हो गए हैं, इन्हें दूसरी साइड पलट दूंगी और दूसरी साइड ये भी ये क्रिस्पी और काफ़ी अच्छे से पके तैयार हो गए हैं, तो इन्हें निकाल लेती हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे पकौड़े का कलर देख सकते हैं, बहुत ही सुनहरा लग रहा है, तो यही पहचान है कि पकौड़े परफेक्ट तरीके से पके तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से मैंने सारे पकौड़े बना के रेडी कर लिया है और अब झटपट से गर्मा गर्म आलू प्याज के पकौड़े को सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, तो एक बार चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सॉस के साथ इसे सर्व कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे चटनी किसी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीका, तो आप भी बनाएं इस तरीके से आलू प्याज के पकौड़े और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ से इंजॉय करें।